छोटा नागपुर, 54 करोड़ वर्ष पुराने हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरे इस प्लेट्यू को पूरी दुनिया लोहा, कॉपर, यूरेनियम जैसे मिनरल्स के लिए जानती है, जहां लगातार हो रहे खनन के लिए चाहिए जमीन। लेकिन ये जंगल, पहाड़, ये सब पेड़, अरे यही तो हम लोग का माय बाप बने रहे। पेड़ काट दिया तुम लोग, पाल पोस के अपना खून पसीना दे दे के इतना बड़ा किया, उस पेड़ पर तुम लोग आरी चला दिया, मशीन और आरी, एक एक पेड़ बड़ा बेरहमी से कर तो दे लिया हो। चुप किसकुआ, ये पेड़ नहीं कटा रहा है, ये आदमी कटा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, अब भी कह रहे हैं अगर एकजुट नहीं रहना हम लोग तो साला ये लोग इसी तरह से हम लोग को बेवकूफ बनाता रहेगा और दो दो कौड़ी के लिए हमसे हमारा घर परिवार छिनवाता रहेगा। वक्त आ गया है, लिख लीजिए, हम लोग एक साथ एकजुट होकर इन सब के खिलाफ खड़ा होंगे। आदिवासियों को उनके जमीनों का मुआवजा दे नहीं देते या उनके लिए कोई वैसा बंदोबस्त नहीं कर लेते तो फिर हम कैसे उनसे? वो सब छोड़िए, साइन कीजिए, उस काम को आगे बढ़ाइए। विस्थापन का मुद्दा तो हम लोग बाद में ले आएंगे, पहले विकास को तो धरातल पर उतरने दिया जाए। विस्थापितों का व्यवस्था पहले होता है, पहले सोचना चाहिए उस पर। अरे पर मुआवजे की तो बात कीजिए ना। राजस्व नहीं आएगा तो हमारा राज्य में ये सड़क बनना है, ये पानी की व्यवस्था करना है, सिंचाई की व्यवस्था करना है, ये सब कहाँ से निकलेगा? जैसे ही बंद होगा, मैं कह रहा हूँ पहले कर दिया जाए, फिर करेंगे। लेकिन आपको आश्वासन देना पड़ेगा कि इसीलिए बोल रहे हैं भाई कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप साइन कीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। सरकार को चलने दीजिए, आप लोग हर एक चीज पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। पर्यावरण का भी ख्याल नहीं रखा और शेड्यूल कास्ट जो बहुमत में है उसको भी ख्याल नहीं रखा, और 80% किसान गया यहाँ पर, उनका भी ख्याल नहीं रखा और फाइल निकाल लिया। राजस्व के नाम पे भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास तो करा लिया गया, पर एनो सुराओं को आदिवासियों की कीमत पर यह मंजूर नहीं था, असर तो होना ही था। दालतन है, राजा मेदनी राज जो यहाँ हुए थे उनके नाम पर हम रखेंगे। दालतन जो है दास्ता का प्रतीक है। डेवलपमेंट बक्से में भरकर सरकारी गाड़ियों में डाल्टनगंज पहुंची और बक्से को मुखिया जी के घर घुसा लिया गया। देखिए सरपंच जी, अब जमींदारी का समय चला गया और ठेकेदारी का समय आ गया, खदान का काम शुरू होगा तो सरकारी कर्मचारी इंजीनियर ओवरसियर खंती फावड़ा तो चलाएंगे नहीं, उस काम को मजदूर ही करेगा, उसके लिए हजारों मजदूर चाहिए, उस काम को देखने के लिए काम कराने वाला एक मजबूत आदमी चाहिए, और आप यहाँ के मजबूत तो हैं ही ना। दिल्ली से जो सब पैसा आएगा वो तो आप लोगों के ही जेब में जाएगा ना। दिल्ली से पैसा आएगा,
हमारे काम आएगा, समझाइए। अब यहाँ डैम बनेगा, सड़क बनेगा, क्वार्टर बनेगा, इस सब का टेंडर निकलेगा, 500 तरह के काम होंगे, और जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको टेंडर मिल जाएगा, और टेंडर मिल गया तो समझ लीजिए खेतीबाड़ी करने का झंझट ही खत्म। जो सबसे कम बोली लगाएगा हाँ, उसको टेंडर मिलेगा, मतलब मान लीजिए किसी काम के लिए 2 करोड़ का टेंडर निकला, उस काम के लिए किसी ने बोली लगाया 2 करोड़ 5 लाख, किसी ने लगाया 2 करोड़ 10 लाख, पर आप तो यहाँ के लोकल है ना, आपने बोली लगाया सबसे कम 1 करोड़ 99 लाख, बस आपको टेंडर मिल गया। अब देश भैया भितरे कि भाईरे, नहीं सरकार से चुका पैसा से सब दे जमीन पैसे ना मिलते जमीन दे दूं पैसा। अरे नहीं लड़े पर बस सरकार से। अरे गरीब लोग कहाँ से पैसा आता है? नहीं पैसा नहीं तो जमीन याद दे दो, हम गरीब के मुगा जा सकते। गरीब के तो भाई गरीब हम के तो रख रहे जमीन दे पैसा दे तब आजकल गरीब के भलाई कहीं लिखे नहीं। रुकिए रुकिए आ गए सब लोग। हाँ सर। कागज तैयार है? हाँ सर। शुरू कीजिए इंजीनियर साहब। ठीक है सर। शुरू कीजिए। अरे लगाइए लगाइए अंगूठा लगाइए। चलिए जल्दी कीजिए। अरे कितना अंगूठा मार रहा है, चलिए जल्दी यहाँ लगाइए। अरे यहाँ लगाइए ना। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे है? बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? अवधेश मिश्रा अभी तक तो सरपंच के पीछे पीछे अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे थे। चुन्नू के मुकाबले अवधेश कमजोर था, पर 1 करोड़ 99 लाख का आंकड़ा अभी भी अवधेश के कान में गूंज रहा था। डाल्टनगंज की राजनीति में डेवलपमेंट एक नया शब्द गूंजने लगा था और एक कंधी दौड़ शुरू हो चुकी थी। क्या सोच लो हो सुरेश? हम अपन जमीन ना देबो। तोहार जमीन बा। हम अपन जमीन ना देबो। अरे देख क्या रहे हो? सुरेश लकड़ा जैसे गरीब किसान जो अपनी जमीन नहीं देने की जिद में अड़े रहे, उनको चुन्नू के लठैतों ने कायदे से कूट दिया। सुरेश लकड़ा जमीन छीनने के बाद मजदूरी का काम करने लगा। डाउन और थोड़ा डाउन। अब भोला की बारी थी। कौन? भोला को लगा कि पैर पकड़कर या बाल बच्चों की दुहाई देकर काम बन सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। का जमीन है, हम दिए थे ना जमीन कि खेती बाड़ी करो, बाल बच्चा जिएगा खाएगा, बोले थे ना, चल निकल यहाँ से। भोला महतो की जमीन छीन ली गई। सुन रहे हैं जी, लगता है कि हम लोग का इस बार घर छीना जाएगा। ठीक है, यहाँ से उजड़ेंगे तो कहीं और जाके बसेंगे। बाईपास बन रहा था और सड़क जब कन्नू विश्वकर्मा के घर की तरफ बढ़ी तो उसकी वाइफ को लगा उसकी जमीन भी सड़क के जद में आएगी, कुछ पैसे मिलेंगे और अपना मामला सेट हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। सड़क घर के सामने से गुजर गई, मगर कन्नू लोहार फिर भी अपने हालात सुधरने का आसार देख रहा था। शहर बस रहा है, 50 तरह का काम निकलेगा, लोहा लक्कड़ के बिना कोई शहर बसा है क्या? Excuse me, where is Jadesh? आप कौन मैडम? Catherine. Where is Jadesh? बाबा, ये तो जगदीश को ढूंढ रही है। कम कम, जगदीश, जगदीश फादर,
Jadesh, where is he? कभी उलझो नहीं हमसे कि हम धरती पर रहते हैं, कभी उलझो नहीं हमसे कि हम धरती पर रहते हैं। हमें जो झोंक रखा है यहाँ मशीनों में तुमने, तो फिर धीरज धरो कुछ दिन। वेट समय समय पर अनाज की बोरियां और आम की टिकोरियां अधिकारियों के यहाँ पहुंच जाती थी, पर लालच सबका बड़ा होता है और बढ़ता ही रहता है। प्रणाम सर। ये सब क्या है? चुन्नू बाबू भेजे हुए हैं। बोलिए चुन्नू बाबू को आकर ऑफिस में मिले। हटाइए हटाइए ये सब हटाइए। चाउर दाल खिला के ये सब टेंडर लेंगे। चलो बैठो। आज पहली बार चुन्नू को टेंडर के लिए ऑफिस आना पड़ा था। साइन करे, साइन करे। बोले ना सिस्टम से चलता है। सिस्टम सिस्टम, जल्दी हटाओ सिस्टम को। गोली मारिएगा का चुन्नू बाबू। ये रखिए। अरे माफ किया। आप सारे लोग गवाह हैं, भूलिएगा मत। और सारे गवाह गायब हो गए, पर जूनियर इंजीनियर ने औधेस की ललकार को दिल पे ले लिया और चुन्नू को जेल की हवा खानी पड़ी। मर्डर करेला के कहा था बादल। भैया। हाँ मुन्ना, एको कुर्सी दो ना। प्रणाम भैया। हाँ ठीक है। हाँ कैसे भैया? वो हिरवा मोतिया है ना? वो हिरवा मोतिया। मुन्ना सिंह के पापा सिंह जी शहरी गैर मजरुआ जमीन को दाबे हुए थे। वहाँ एक बस स्टैंड बना, वहाँ एक सिनेमा हॉल खुला, बस स्टैंड में सैकड़ों दुकानें बनी और सिंह जी चल बसे। अब दुकानों का किराया मुन्ना सिंह का था। मुन्ना सिंह ने अपने लौंडे लफाड़ों के दम पे बस मालिकों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। ये नया इम्प्रोवाइजेशन था। मुन्ना सिंह चाय समोसों के एवज में नए उम्र के लौंडे लफाड़ों से घिरा रहता था और देखते ही देखते मुन्ना बस स्टैंड का मुन्ना भैया बन गया। पठो रहे का? हाँ भैया। पैसा कोई चीज का पैसा भैया? मुन्ना भैया के भोसड़ी के मुन्ना भैया। हीरा मोती गढ़वा स्टेट के जवान राजपूत लौंडे थे। रंगदारी टैक्स उनको मंजूर नहीं था। एक दिन पिनक गए। क्या हो गया? काहे मुंह लटकाए? अरे क्या हो गया बोलेगा? भेज मोतिया बस गए, पैसा लेने मार दिया हमको। है क्या बोला रे तू? तू मार करके चला है साले, मार करके चला है। ए भाई चोट मोतिया, मोतिया निकल बाहर, चोट निकल बाहर मोतिया। ए रुक रुक चला, रुक रुक। मोतिया
तो लड़का लोग कहने था तुम्हारा, अकेले कैसे थे? छुटवा तो वही जगैया पे मुंह घुमा के मुंह ते लगा भैया। अरे का करे तुम्हारा मुन्ना भैया, सब छोटा मोटा काम लेकर हमारे पास आओगे? जी भैया। का वो जूनियर ऑफिसर का क्या हुआ? साला गवाही दिलवाइए के छोड़ोगे? उसका भी कुछ करना पड़ेगा भैया। छोड़ छोड़, तू क्या करेगा? हम ही को कुछ करना पड़ेगा। वो लड़का है ना, बुलाइए। बोलो चुन्नू भैया बुला रहे हैं, बुलाइए। ठीक बा भैया। का बाबू, तुहार नाम मुकुल है ना? जी भैया। प्रणाम। क्या हुआ? मर्डर हो गया है? जिस मुन्ना सिंह को पब्लिक ने जान बचाकर भागते देखा था, उनका भौकाल बस स्टैंड पर फिर से कायम हो गया। मोय को भेजलो मेडिकल पढ़े ले, जल जंगल जमीन के बचाए के ले हूं, साथ में लोग मन कर बीमारी से बचाए के लिए हूँ। अपन देश कर जल जंगल जमीन कर तकलीफ लोग मन कर बीमारी से। करत रहे, यहाँ सबके दवाई देवत रहे और ई जगह रहत रहे। फटाफट हो जाए कल में सुबह। खाने में मटर खाने में मस्त है, बात ठीक है। दिन में नहीं दिखता है। हाँ दीदी, thank you for taking me here. Thank you. Ah, bada bada. Hey, hey, hey. पर जानते हैं मैडम, यहाँ और भी कई मामला है। दुनिया के सब लोगों को यहाँ सिर्फ माइंस दिखता है, माइंस, लेकिन हमारे लिए तो जीवन है ना मैडम। तुमको मालूम है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ। क्या? इंजीनियर कर्मराज सिंह का बेटा युवराज अपने बाप की निगरानी में पल बढ़ रहा।
कन्नू लोहार का बेटा गोल्डन दो महीने से स्कूल फी नहीं दिया था तो स्कूल नहीं जा रहा था, और भोला महतो का बेटा घुंघरू स्कूल के बाद सुरेश लकड़ा के साथ मजदूरी करने चला जाता। ऑफिसर के लड़कों के देखा देखी लोहार के लौंडे गोल्डन का सारा समय वीडियो गेम देखते कटता था। पैसे तो होते नहीं थे खेलने के लिए। तो खेले ना वहाँ हो। भैया लोग किसी काम से बुला लेते तो गोल्डनवा का कॉलर टाइट हो जाता। चुन्नू पांडे को जेल से निकलवाने के लिए मर्डर के आखिरी गवाह जूनियर इंजीनियर को आज ही निपटाना था। अरे कौन है, जाओ देखो जी। अरे कौन है, ये भाई समय बदला। अब वो काम होना था जिसके लिए 1976 में फाइलों पर सिग्नेचर हुए थे, मतलब यूरेनियम माइनिंग के लिए हथियाई गई जमीन पर डायनामाइट लगाने का टाइम आ गया था। आवाज तो है लेकिन हमको खनन करना नितांत जरूरी है। बिना खनन के हम एक देवा के नहीं बन सकते। हमारी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है। किसी काम को करने में कुछ अच्छी बात तो होगी, कुछ उसमें बुराइयां भी होती है और उसमें कुछ खामियां भी हो सकती है। शांत जाओ भैया आ गए हैं। अब हम आ गए, अब सब काम हो जाएगा। बंदा। हाँ भैया। पैसा का इंतजाम हो गया का? हाँ। कितना पैसा भैया? सब लोग का मीटिंग बुलाओ बंदा। चुन्नू की कहानियां सुन सुनकर लौंडे बड़े हो गए थे। गोल्डन लोहार चुन्नू की एक झलक ही देख पाए। नमस्ते सर। नमस्ते। इरिगेशन ऑफिसर? इरिगेशन ऑफिसर? यस। I am Abdesh Tiwari. Welcome, sir. Sir. का इंजीनियर साहब भीतरे घुसिएगा का? खैनी खाते हैं इंजीनियर साहब? नहीं सर। तो बनाइए। देखिए चुन्नू बाबू, इस बार का मामला थोड़ा डिफिकल्ट है। यूरेनियम माइनिंग का टेंडर है। इतना तो तय है कि ओपन टेंडर ही होगा। हाँ, पर आप ही की निगरानी में खुलेगा ना? नहीं नहीं, इस बार सेंट्रल मिनिस्ट्री से स्पेशली इसी टेंडर के लिए नया डायरेक्टर आए हैं। बहुत नाम सुने हैं सर आपका। इस शहर को आप जैसे ऑफिसर की बहुत जरूरत है सर। इस शहर को या फिर आपको? अरे शहर तो गुंडों के हाथों में चला गया सर। अब आप आ गए हैं तो आप ही का भरोसा है सर। अरे ये सब छोड़िए, ये सब तो चलता रहेगा। ये बताइए, आपका लड़का है ना, क्या कर रहा है आजकल? सुने परीक्षा देने दिल्ली गया है। बहुत सुंदर है आपका लड़का। क्या कह रहे हैं सरकार? चल रहे परदेसिया, बकर चल 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 चल
सोचाइए साला नक्सलाइट लोग हैं। इंजीनियर साहब को ठीक ठाक रूम दिलवा दिए ना? जी भैया दिलवा दिए हैं। उस असरा होटल वाले को कह दिया ना कि वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिएगा? जी भैया वीआईपी से भी बढ़िया इंतजाम करवा दिए हैं। चुनू पांडे भेजे हैं तुमको? मेरी कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है और माइनिंग का काम करती है। ऑस्ट्रेलिया में काम करती है, साउथ अफ्रीका में काम करती है, रशिया में काम करती है और बैंकॉक और थाईलैंड में भी। लेकिन बिहार में काम करने का थोड़ा अलग टेक्निक है। नहीं, वो तो पूरे वर्ल्ड का सिस्टम है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वो टेक्निक भी जानता हूँ। एक बार आप हाथ मिलाकर तो देखिए। नहीं ना हुआ। फिलहाल ये बस एक काला है, इसमें कागज का टुकड़ा। क्या है? मतलब ये तो खाली बयाना है मंत्री जी। नमस्कार नमस्कार। आइए चुन्नू बाबू बैठिए, बहुत लेट कर दिए। लेट तो होना ही था, काम ही कुछ ऐसा था। जानते हैं जीवन बाबू, ये समझ लीजिए कि आर पार का लड़ाई है, जिंदगी का सबसे बड़ा दाव खेल रहे हैं हम। चुन्नू बाबू, हर काम लठैते से नहीं होता है। आप ही कैसे पूछ रहे हैं? जान का डर सबको होता है कि नहीं? होता है ना? होता है। देखिए ये सारा खेल पैसा का है, आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास पावर है और पैसा आपके पास है। प्रणाम पापा। खुश रहो। पटना से कब आए पापा? देखो तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज से कॉल लेटर आया है। मेरा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के एवज में अक्सर इंजीनियर साहब को गिफ्ट मिलता था। ये भी तुम्हारे लिए। मेरा बाइक। गोल लगे भैया। हो सर पान खाएगा? चाचा एक पान लगाइए। पापा मोटरसाइकिल चाहिए। बाप जी अंधेरे में और बेटा मांगे पावर हाउस। चाहिए तो चाहिए। ऐसा कैसे गिरा देता है रे? गोवा
वहां गलती हो गई। Gungru, yeah. Fight, fight, fight. Where did you find him? Who is this man? Bhatija hai mera. Yeah, yeah, sab pura. Oh my god, it's everywhere. Yeah, it's everywhere. Hey, hey! This is not all. Aram sab, Suresh. Suresh? Haan, madam. Are you married? तीन दिन से रूसे हुए हैं। सुने तो कहले तो को साइल है। खाओ, जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा आप खाना नहीं खाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? राम राम, सब ठीक है? मोटरसाइकिल है? ये कौन मॉडल है? कन्नू विश्वकर्मा मॉडल है। बैठ। हाँ, अरे स्टार्ट कर। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया है पापा। अरे संभल के।
ए चचा, लइकवा कहाँ है? लइकवा को बाहर भेजिए। कहाँ मोटरसाइकिल बांध के गया है? कहाँ है? फटफटिया चमका रहा था ना, भेजिए। दिल्ली गया है इंजीनियरिंग का पढ़ाई करे। दिल्ली? अब तुम्हारे ऐसा लोफर थोड़े है। दिल्ली का पिल्ली लेने गया है। आए पड़पड़ाओगे? बुलावा पुलिस। आ रहे ये डैम है जो 6 सालों से बनकर पड़ा है। आनंद है ना सर? कोनो दिक्कत हो तो छोटे भाई को याद कीजिए। किसी काम से आए हैं का? हाँ भैया बोले थे हाल समाचार लेते आना सो आ गए। कोनो गलती कर दिए हैं का? स्टैंड अप, स्टैंड अप। किसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं का? कहे अनऑफिशियल नहीं मिल सकते आपसे? नहीं मुन्ना बाबू, अनऑफिशियल कोई सेंस ही नहीं बनता है हमारा आपका मीटिंग का। आउट। और हाँ, टेंडर 10 दिन बाद खुलने वाला है, बोर्ड पे टंग गया है, डेट निकल गया है। टेंडरवा के लिए सर, जो 10 दिन बाद टेंडरवा खुलना है, ये सब चुनू बाबू के लठाए थे सर। मार दो, मार दो साले को। कुछ ज्यादा बोल दिया का? गोल्डनवा है भैया, कानू लोहार का लौंडा। बाप से मांगा था हीरो होंडा, अब बना के दे दिया झुंझुना। अपना ही लड़का है भैया, बड़ा काम का लड़का है। घुंघरू महतो, ये पहाड़ की पढ़ाई है, ये प्रकृति का पढ़ाई है, ये जंगल का पढ़ाई है बेटा, अपना बुजुर्गों का पढ़ाई है। वो जो सिखाएगा किताब में कौन बताएगा बेटा, हैं? कौन लिख देगा? पापा पैसा? पैसा? फुटबॉल के लिए पैसा बोले थे ना। कितना पैसा लगता है? रोज रोज कॉलेज में पैसा लगता है का? हर चीज में लगता है पैसा, हमेशा यही करते हैं। का चाचा, का करता है घुंघरुआ? घुंघरुआ का करता है? घुंघरुआ पूछो ना, बीए कर लिया है, पर नौकरी चाकरी कर लेगा तबे ना, कितना दिन चलेगा इसे? देखते हैं, बात करते हैं मुन्ना भैया से, लगवा देंगे काम इसका। प्रणाम भैया। एको काम करेगा? बोलिए। सुनते हैं कि शहर में सबसे बढ़िया बाइक चलाते हो तुम। शहर में सबसे बढ़िया भैया? सबसे बढ़िया? सबसे बढ़िया। चल टेस्ट लेकर आते हैं। चलिए टेस्ट लेकर आ रहे हैं। स्टार्ट रखना गाड़ी, आ रहे हैं। आएंगे
और बोलेंगे रेडी गेट सेट गो, चल देना। ठीक है, ठीक है? ये वाला जो है ना, इसका दूसरा सेट दिखाइए, कोई अच्छा वाला दिखाइए ना। डायरेक्टर साहब, चल गोल्डन, चल चल भैया, रेडी गेट सेट। हाँ वही रेडी गेट, गो गो गो, चल चल। डॉन डॉन डॉन, ये जा। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हैं? आते 40 सेकंड भैया, 40 सेकंड पास हो गया। तुम पास हो गए ना? हाँ हाँ, मिलेगा इनाम तुमको। चलते हैं। To his arrival, for you in membership, right? टीवी का न्यूज़ देखा का मतलब, जितना बड़ा शहर नहीं है उससे ज्यादा ये लोग जंगल काट देंगे है? EUCIL का ऑफिस, और ये तरफ जो तालाब से मोड़ है, यहाँ पानी का टंकी के पास अपना 20-25 गो लड़का चाहिए, हो जाएगा। और यहाँ इरिगेशन का ऑफिस के पास, यहाँ भी अपना 20-25 लड़का चाहिए। आज दो गो बस को यहाँ पे लड़वा दो, ठीक है? गड़वा रोड पे हाई टेंशन तार गिरा दो। सीरिया है ना, उसको बोल दे भैया तार काट के गिरा देगा। गोल्डन आया है। कौन गुंडलवा? अरे तो साथ ही ना आया था जी, तबार का कर रहा है, बुलाओ उसको।
जाओ भैया बुला रहे हैं, मिल लो। प्रणाम करो भैया को। प्रणाम भैया। दिन भर मोटरसाइकिल उड़ाता है। पैसा ऐसा कहाँ से आता है तेल भरवाने के लिए? अरे अरे ये सब का, अरे रख लो, भैया का आशीर्वाद है, रख लो। शर्मा रहा है तो है। ए! भाग 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 भैया, रेडी अबे रेडी गेट सेट गो, चल 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 चल। टेंडर का डेट निकल चुका था। तीन दहाड़े भरे बाजार, हर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया जिन्होंने चुन्नू के सामने खड़े होने की या टेंडर डालने की कोशिश की। रुक 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 रुक। दो मिनट 45 सेकंड। भाग साला, दो मिनट 45 सेकंड। फेल हो गया तू। भैया दो मिनट। फेल हो गया तुम। फेल हो गया? अरे दो मिनट 45 सेकंड हुआ भैया। अरे फेल हो गया रे, चलो फेल हो गया, मान ले चचा। घड़ी देखने आता रे तुमको। चलो चलो। दो मिनट 45 सेकंड हुआ भैया। अरे ये लेग गार्ड टूट गया है, दूसरा लगा रहे हैं। रोज उसी में कुछ ना कुछ होती रहता है ना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। इलो मुन्ना भी आ दिए हैं। बाजा। हाँ चोथो बाजा। तुम्हारे हुस्न की गोली जिगर के पार हो जाए, तुम्हारे हुस्न की गोली जिगर के पार हो जाए, तुम्हारे हुस्न की गोली जिगर के पार हो जाए। मैडम आइए फिर से निगाहें चार हो जाए, मैडम आइए फिर से निगाहें चार हो जाए। पागल है क्या रे साला? प्रणाम भैया। बंद कर बंद कर। अरे नीचे देख रे, बंद कर रहे ना। अरे साला टेंडर डे है, चुनू भैया अंदर हथिन। का चीज के टेंडर? यूरेनियम माइनिंग के टेंडर पड़त है। वो का होता है? अरे साला यूरेनियम से बम बना है। बम? अरे साला बम भी बनता है? अच्छा ये बताओ, मुन्ना भैया तुम्हारा ये बाजा घर ही सुनने दिए थे कि रोड पे? मुन्ना भी हमको सुनने के लिए दिए थे कि बाबूजी को? ए पीछे देख रहे करो, गाड़ी वाड़ी ना आने पाए। हम जाते हैं भैया। आगे कहाँ सर? रास्ता क्यों जाम है? आगे कहानी क्लोज है सर, हो गया। टेंडर के नाम पे आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। आगे खाइए सर। कौन है रे? आई नो हाउ टू हैंडल देम। चलो 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 चलो, जाने दो रास्ता देखा। डरवा था भैया, बम भाई वाला पड़ा। मुन्ना भैया के अधेश भी आए हैं। देश टेंडर डालने आया है? अकेले डालते ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डालने आया हूँ। सुनो बैठो पहले। हाँ। देखे सही है, अब कोई नहीं आएगा,
दो चार पाँच मिनट का तो बात है, दो चार पाँच मिनट में समय पूर जाएगा, कहला हमारा गला फंसाएगा। अजी ओपन कीजिए टेंडर। सब ठीक है तो अनी का तो किस्मत चमक लो। कैसे भैया? पाँच ठो बस चाहिए। पाँच गो बस? साला के शादी है, कुछ जिला के ले जाला हुआ का? जिला के बाद वो तो क्या करब, साला को तो जानते है ना। हाँ। पाँच बस तू कर दा, बाकी सब छतरा हाँ। वाला को बोल देंगे। चल चल लूट लेना है, चल लूट लो। हेलो गोल्डन, पत्थर और ईटा वाला जमाना चला गया। उंगली से हैं? कैसे उंगली से? लगता है काम को पैसा उसे मिलने लगा है का? कौन सा काम कैसा पैसा? आई दी कौन सा काम कैसा पैसा? हाँ आई दी रड़वा चौराहा पर कपड़ा का दुकान में जो अफसर का मर्डर हुआ था, वहां से 40 सेकंड में भोला पान दुकान तक पहुंचा था ना जी तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? हाईवे पर सरकारी गाड़ी में लाइन होटल के पास जो अफसर का मर्डर हुआ था, वहां से कितना देर में पहुंचा था तुम भोला पान दुकान? आए कुलूल भैया और लड्डू भैया के साथ। चतू चतू आयरी, काम तुम कर रहा है तो पैसा भी तुम्हें को ना मिलना चाहिए। गोली चलाने में काहर है, तू तो कोई चला देगा। असल काम है स्पॉट से भागना, तुम ही ना कर रहा है। मने गोली चलाने में काहर है? देख ये कट्टा तोड़ा अघोड़ा चला दिया। एक काम का 5 से 10 हजार रुपया मिलता है। सब काम मुन्ना सिंह करवाता है टेंडर पांडे के टेंडर पाने के लिए। 5 से 10 हजार मिलता हो? तुमरा तो हो गया रे, घप लिट्टी घप सिगाड़ा गोल डलवा। चलो चलो उधर चलो। ऐसे देखा था कि काटवा लकड़ियां काट रहे हैं। ये बड़ा मनर खंडूरा लाल है। अरे इसके तो गुच्छा में अंदर अंदर रान तो थारू के थारू के अंदर रान तो। चलो 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 भागो भागो, गांव वाला गांव वाला।
धर धर उसे कहे आ रहा को यहाँ क्या भेजले हो चुनू पाले चुनू पाले चुनू पाले चुनू पाले भाई अभी आप भी आप बताएं अपने 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 इब्राहिम हमारे हमार लोग के अबे पुरखा लगा बात कर रहा है इसे एम रादम आ रही खेतर खंडों में তাহনটা খেদার খান্ডল দাদার ভিটো জমহর মারিন ভাইয়া হাম লোগ বাস বুক কিয়ে থে সুলতানি ঘাটি মে আব ইয়েহি সব তো হো রাহা হ্যায় লুটপাট ই দেখিয়ে ইনকে সোনে কা দাঁত থা ওহ লুট লিয়া আব চন্দা আপকো দেতে হ্যায় তো আপ হি কো না দেখনা হ্যায় কি কি কর রাহা হ্যায় দেখিয়ে শহর কা মামলা হোতা তো হামারা লুকআউট থা यहाँ का चोर उचक्का लोग से हम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते और घाटी तो वैसे ही इनका अड्डा है नक्सलियों का वहाँ अगर नक्सली बस लूटता है तो हम क्या कर सकते हैं कौन जाएगा उनसे लड़ने के लिए साला लोग मशीन गन चलाता रहता है वहाँ पर नक्सली है ना भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप हम लोग तो देखिए हाईवे का सिक्योरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली बाईपास तक है आप लोग सरकारी अधिकारी के पास जाइए वहाँ अपना कंप्लेंट लिखाइए और हमारे लायक जो भी सेवा होगा निसंदेह हमसे कहिएगा जाइए जाइए ठीक है भैया क्या बात है हमको काम चाहिए मुकुल भेजे हैं वो कहे भेजेंगे वो तो हमको अभी तक बताया नहीं कि हमसे क्या करवा रहे हैं काम हम कर रहे हैं तो पैसा भी तो हमी को ना मिलना चाहिए कहे तुम्हारा काम का इनाम तुमको मिल जाता ना जी असल काम स्पोर्ट से भागना होता है बंदूक चलाने में क्या है खाली टाइगर खींचना होता है बस एक एक पेड़ के बदले 10 को मुंडी काटेंगे हम सारा सबको हमारे आंगन का पत्थर चाहिए हैं? उस पर खड़ा इंसान नहीं कहते कहते हैं कि लोहा स्टील यूरेनियम से विकास होगा तो हमरा का अपना अस्तित्व का लड़ाई है अपना हक का लड़ाई है और वो हम लेके रहेंगे लेकिन आप लोगों का हिम्मत चाहिए साथ चाहिए मिलेगा सामने सब जंगल कटा रहा कोई कुछ नहीं बोल रहा साला विकास बता रही ये पोल लटका दिया है सरकार ठेकेदार ये पोल लटका दिया साला पोल लटका के चूतिया बना रहा है बिजली कौन टांगेगा ये गाजर लटकाया है गाजर कहो बिजली आताओ 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 का बताओ अब तू ही जान जब तक हम लोग साथ में मिलकर नहीं लड़े ना तो इस सारा ठेकेदार और सरकार लोग हमको रौनता रहेगा भैया पाया लागू भैया आते हैं जो जो जाए जो दूर से सटा नहीं सटा हाथ छू लिया पे तुम भोला पान वाला का लड़का है ना जी भैया एक प्रॉब्लम चल रहा है भैया कितना क्लास पास है जी बीए किए हैं मैं मैट्रिक नहीं किया भैया जंगलिया सब खुखुआ के देख रहा है भैया लगता है प्रॉब्लम करेगा ये लोग
का बोला? कुआरा है जंगलिया सब। साहब भी कहीं अड़चन लगाने के फेवर में नहीं है, समर्थन में है, सपोर्ट में है, साफ साफ बोले। लेकिन जो दिक्कत है चुनू बाबू कि हम लोग ऑफिशियल करके आपको देयो दें और आपसे होइबो न करे, समझे चुनू बाबू? उसके लिए कुछ तगड़ा उपाय कार्यक्रम चलाइए। अरे कुछ तो बताइए, क्या करना होगा? जो मत से मरने के लिए तैयार है उसके लिए जहर खोज रहे हैं। अरे मिठाई बाटिए, मिठाई बाटिए, मिठाई बाटिए महाराज। हाँ मिठाई और कपड़ा। अरे ले 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 भैया भैया, हाँ बैग पर छो, हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद, हाँ 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 ले हाँ। अरे 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 आशीर्वाद दो, कौन बचना नहीं चाहिए, सबको सबको कंबल दो, हाँ हाँ आओ आओ हाँ ले 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 ले। डुमरपाट रामझरिया नेतरहाट से लेकर डुमरी चैनपुर गुमला पूरा 1471 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देश के हित के लिए विकास के लिए अलॉट किया गया है। डीएम साहब का सख्त आदेश है, जो भी व्यक्ति इस कार्य में बाधा डालेगा या रुकावट पैदा करेगा या नेतागिरी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। घर के अंदर घुस घुस के देखो, मालूम है सलाद ये चलाया, तुमको सब मालूम है, तुम नहीं जानता है। बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है, इसे सबको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये सरकार ये काम सबके फायदा के लिए तो कर रही है। और पेड़ का एक गो कटेगा 10 गो बोएगा, और किसी से डरने का जरूरत नहीं, किसी से डरने का नहीं, हम है ना। पहाड़ी का
ए लौंडे जी भैया, हिसाब किताब सही चल रहा है ना? हाँ भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करो अच्छे से करो, अच्छे से करो, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ अच्छे से करो। ये जंगल, पहाड़, ये सब पेड़, अरे यही तो हम लोग का माय बाप है ना रे? भेड़ खा दिया तुम लोग, पाल पोस के अपना खून पसीना दे दे के इतना बड़ा किया, उस पेड़ पर तुम लोग आरी चला दिया, मशीन और आरी लिख एक एक पेड़ बड़ा बेरहमी से कर 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 काट के सुला दिया, लिटा दिया, सब खत्म कर दिया। आ, कर तो दे लिया हूं। चुप, किसको आ? ये पेड़ नहीं कटा रहा है, ये आदमी कटा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? अब भी कह रहे हैं अगर एकजुट नहीं रहना हम लोग तो साला ये लोग इसी तरह से हम लोग को बेवकूफ बनाता रहेगा और दो दो कौड़ी के लिए हमसे हमारा घर परिवार छिनवाता रहेगा। वक्त आ गया है, लिख लीजिए, हम लोग एक साथ एकजुट होकर इन सब के खिलाफ खड़ा होंगे। ये लोग कोई काम नहीं करेंगे। साला लोग नेतागिरी कर रहा साला, ईट का जवाब ये देखो पत्थर, सब डायनामाइट लगा देंगे। चल 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 लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। पैसा देकर हम काम करवा रहे हैं, फोकट में थोड़ी काम करवा रहे हैं, और सरकारी काम है, चोरी छिपे थोड़ी कर रहे हैं। अरे मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, दिल्ली से पटना साइन हुआ है, मिनिस्टर ने साइन किया दिल्ली से पटना। आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, हमारी सुख दुख से आपको कोई लेना देना नहीं है। ए सुरेश, ये पकड़ो, इस मिट्टी में बहुत कुछ है, आप लोग थोड़ा जोर लगाएंगे तो सोना झरेगा। या सुन लीजिए, सोना झरेगा और पैसा आएगा तो सबको मिलवे करेगा, आप लोग का तकलीफ कम होगा। सुनो सुरेश, तुम ठेकेदारी करो, पैसा का सब देखरेख तुम करना, नजर रखना, कोई बेईमानी मत होने देना, काम से का दुश्मनी। सारा जमीन तो हमारा, आप ले ही लिए, जोत लिया ना, तो जमीनों को खोद डालिए, निकालिए, सोना उसे झाड़िए, सोना झाड़िए। अरे लालच का भी एक लिमिट होता है चुन्नू बाबू, आप तो हद कर दिए। तुम हमको लिमिट बताएगा? छोड़ छोड़। तुम हमको लिमिट बताएगा? साला इस खदान का काम के लिए दिल्ली से डाल्टनगंज एक कर दिया, नेता मंत्री परेता, साला किसी का हिम्मत नहीं हुआ हमारा काम रोके, किसी का हिम्मत नहीं हुआ हमको कुछ बोले, और तू साला हमको लिमिट बताएगा? हमने जिंदगी का पूरा कमाई हमने लगा दिया इस काम में, और तुम ये काम रोकेगा? सुनो, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, मारो साले को। कोई आगे नहीं बढ़ेगा साला, डंडा मारेगा। तुम अपने ख्वाब के ऊंचे उड़ानों का मजा देखो, हम अपने हाथ के छालों से तर्कस को संभालेंगे। वो सारा आसमान हम अपना मुट्ठी में छुपा लेंगे। हमें जो झोंक रखा है
यहाँ तुमने खदानों में कोई सौदा किया है हैं? कि कहीं बेच कर आए हो ईमान को अपने ये छोड़ा नहीं बाबा आवाज दो आवाज दो आवाज दो पोस्टमैन कहाँ है? सो कॉज नोटिस है भैया, पढ़। कहाँ बोलता है? कह रहे हैं 15 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो टेंडर कैंसिल हो जाएगा। इका छपा की मरा रे इका है रे हेलो डो हैं कहाँ हुआ है रे पता नहीं इका है रे सरप्राइज 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 लमरी पकड़िए पुराना हिसाब क्लियर कीजिए सबको मेरी तरफ से ककों पान खिलाइए साला यही लगता है करे तो हमको भटक कर मार मार साले कर हो गया मार मार कासम से अरे छोटू हमको भटक कर क्रॉस कर हमने पकड़ चल पकड़ मार के फाड़ दो अरे ना भैया अरे गलती हो गई अरे ना भैया मार इमेज कर साला सुरेशवा को मार दो ना 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 भैया ना, ना, ना। अभी रिस्क मत लीजिए भैया सुरेशवा को टिपेंगे भैया तो 10 को और कड़ा हो जाएगा तो क्या करे साला
हमको लिमिट बता रहा था, तुम उसका चुमा लोगे। ना ना नहीं, काय चुमा लेंगे भैया, मादर चोत की गांठ पे गोली मारेंगे भैया, बाप का कसम खाते हैं। काहे तू बड़े बाप का कसम खाता है? धीरज रखिए ना भैया, लगाते हैं ना कोनो दिमाग। सुरेशवा को मारना हमारा पर्पज नहीं है भैया, हमारा टोटल फोकस जो है ना भैया, माइनिंग शुरू करने पे होना चाहिए। बहुत अंग्रेजी पेल रहा है मुन्ना। भैया भैया इनका बात सुनिए भैया, बहुत बिस्खोपड़ है। चुटकी बजाते ही फोर्स खड़ा कर देंगे, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो होना चाहिए। बनाइए। विदेशी डॉक्टर है, क्या नाम है उसका? कैथरीन। हाँ कैथरीन, उठवा लीजिए। किडनैपिंग का केस ठोकेंगे। अरे यही सब ना नक्सल है जी। हाँ? पूरा आर्मी और बीएसएफ खुसेड़ देंगे गाड़ में इनके। डेवलपमेंट हमारा जिम्मेवारी है, हम और आप जैसे लोग यहाँ पर आ गए तो कुछ दिख रहा है, नहीं तो जगल वेला होता जी। चुनो बाबू, एक और काम कीजिए। भगवान का हलाक अपनी पेट के मिस देवा। बड़का तालाब कर पान पी रही। कोई पानी की तरफ नहीं आएगा, तालाब की तरफ कोई नहीं आएगा, तालाब की तरफ पानी में जा रहा साला। लोगों को जंगल खाली कराने के लिए बल प्रयोग जब काम नहीं आया तो चुन्नू ने छल प्रयोग किया और लोग घर द्वार छोड़ भागने को मजबूर हो गए। काका। हाँ हाँ, आ रहा आ रहा आ रहा। अरे आ रहा, चल 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 चल। हाँ 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 हाँ, पीछे पीछे पीछे। Kathy, Suresh, people dying. What happened? Garwa mein, people dying. Poison. Water, drink. Come with me. Fast. तीन चार दिन से ताला बंद है। ये तो अच्छा है हमारे लिए। क्या अच्छा है भैया? बच्चा मत बन मुन्ना, वो का कह रहा था मुस्ताक, कोई ठोस कारण होना चाहिए। मौके का नजाकत को समझो, होशियारी से काम लो। इस सलाही तो एक और बवाल हो गया। आइए आइए, बैठे बैठे मुन्ना बाबू बैठे। रिपोर्ट लिखिए जी इनका। हाँ सर। क्या नाम है? कैथरीन। इन सालों का कोई भरोसा नहीं है, बात बात पर तीर चला देते हैं। घर कहाँ है? घर? अरे घर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया? क्या नाम था उसका? कैथरीन। अरे जिसके साथ वो आखिरी बार देखी गई थी, उस मजदूर का नाम बताइए। सुरेश लकड़ा। सुरेश लकड़ा। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर कैथरीन तीन दिनों से लापता है। पुलिस का कहना है कि उनका अपहरण नक्सलियों ने कर लिया। गवर्नर के किडनैपिंग का मामला है ये, समझ रहे हैं ना? बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कैथरीन के किडनैपिंग का मामला अब देश से बाहर जा चुका था। किसी अनिष्ट की आशंका से उसके परिवार वाले
यहां आने को मजबूर हो गए। हम कह रहे हैं ना सर, चुनू पांडे से ही काम होने वाला नहीं है। पेपर देख रहे हैं ना, जंगल में कितना एक्टिविटी बढ़ा हुआ है। अगर रुका हुआ है तो सिर्फ माइनिंग का काम। 15 दिन में अगर काम नहीं शुरू होता है तो टेंडर कैंसिल हो जाएगा। धंधा में उतरा है तो इतना तो होना ही था, समझा? किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। चल के कंपोमाइज कर लो, सब ठीक हो जाएगा। माफी मांगने में क्या जाता है रे, समझ लो बड़के भैया के बोल रहे हैं सारी है? अरे छोड़, लड़का बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो कपाट में मुतेगा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, बट हम आजमा रहे थे, टेस्ट लिए, पास हो गया, काम पड़ गया, बांट लो, आपस में साझेदारी कर लो। साझेदारी कर ले किससे? ये लोहार के लौंडा से? एक झापड़ मारेंगे तो मुंह देगा। नी जात साला, दोबारा दिखाई दिया ना, राम नाम सत्य समझना। चल रे कुल बोल, चल मुकर, चल चल यहां से। बड़का काम करने आया था तुम, अब कौन समझाएगा इन लोगों को? भेड़ लोग का क्या जरूरत है आपको? तुम कहो शेर? हम शेर हैं। निकल माधव चोद, ले जा साला, नहीं तो अभी यही मरेगा। चल ले जा। लेकिन आपको कुछ तो बोला होगा ना, कोई तो बातचीत हुई होगी ना आप लोगों के बीच। अच्छा किडनैप किए तो उस लोगों का? अरे भाई सुनिए, किडनैप किए तो उन लोगों का चेहरा नहीं देखा क्या? समझ में नहीं आ रहा आपको? और वही जो है वो मैडम को झूठ सच बोल के जंगल में ले गया था, उसके लोग ने ही बंधक बना के रखा था। मैम यू हैड बीन किडनैप्ड। अरे किडनैप नहीं हुई थी, जंगल में रास्ता बना दिया था जी। आई बीन इन द जंगल, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन द जंगल, एवरीवन इज डाइंग, दे आर बीइंग इवैक्यूएटेड। इसका मतलब आपको नक्सलियों ने किडनैप नहीं किया? लोहार का लौंडा लोहारी करेगा रे भेंट चोद। अरे कैसे पैक किया लाता है बे? अरे भोसड़ी के लेने आया का रे हम लोग, अब भोसड़ी कुलबुलवा को मार दिया। अरे रे, अरे को ले रे, नहीं रे, चल 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 बोले नहीं नहीं रे, चल ले रहा अरे तो अरे अरे मार दे रे बे बाबा रे बाबा। शहर की स्थिति बहुत खराब है सर, ये सब मुन्ना और चुन्नू पांडे के आदमी हैं सर, लौंडे लपाड़ हैं, आपस में लड़ मरे हैं। ये देखिए सर, ये दूसरा मर्डर है, देख रहे हैं?
पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट के एरिया पर कब्जा है इसका। ऐसे ही टेंडर थोड़ा ही ना मिल रहा है सर। कहाँ छपा है? जय संतोषी माँ, कुछ अच्छा खबर देना। भैया 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 पाए लागू, भैया पाए लागू। ये देखिए सर, डेढ़ किलोमीटर दौड़ा के मारा है सालों में। गवाह है जी कोई यहाँ पर? कोई देखा है? कोई नहीं बोलेगा सर। झाट भर का लौंडा साला, तुमसे संभला नहीं। इधर साला जंगल में सुरेशवार नाक में दम कर रखा है, उधर अल्टीमेटम आया है, टेंडर कैंसल हो जाएगा अगर 15 दिन में काम शुरू नहीं हुआ। जमानत जब्त हो जाएगा, तुम तो जानते हो मुन्ना। हाँ, हाँ, मार्केट से पैसा उठाया है, जिंदगी भर का पूरा कमाई लगा दिया आपने। हाँ। साला लाइन से एक एक को खड़ा करके मारा नहीं ना, तो उनका सारा डर खत्म हो जाएगा, उनका डर खत्म हो जाएगा। बादल चोर समझ के भैया, चरण चूर कान में घुस जाएगा का। अरे सर, कौन भाई, कौन आप लोग? हमको नहीं मालूम, बोल लो। और सुखम नहीं मालूम, बोलो आप लोग क्या कर रहे हैं? चौबीस घंटा के अंदर बोलो थाने में हाजिर होने के लिए, अगर जिंदा रहना चाहता है तब। स्प्रिंग थंडर है काका, खत्म है, खत्म है।
क्या भाई के किया? क्या है रहा रात को? अक्सर काका क्या है रहा? क्या है रहा रात को? इके सुरेश, सुरेश लकड़ा, ये सब साला कौन डाला है जलालास पे कपड़ा? है कोई कुछ बोलेगा? काका बतला इसे, हेलो चा काका, सुरेश काका, बहुत झन रहे हम इनका कर उमन खूब झन रहे। रोको रोको रोको, ये साला जाइए जाइए जाइए, चलिए आप लोग भीड़ मत लगाइए, सब पुलिस का काम है, निकलिए। ए दादा जा, चलो काम करो काम करो। ए जाओ जाओ जाओ, अब पढ़ने लिखे जाओ जाओ चलो। अरे तुमको अलग से बोलना पड़ेगा, हाँ जाओ चलो, ये सब रिश्तेदार है, कौन है तुम्हारा? चलो निकलो निकलो, पागल है का ये? तो घूर रहा है हमको। ए मतो हटावा, एक हटावा, आप अपना काम कीजिए। तो काम है करने तो आए हैं, चलो निकलो यहाँ से। घर जल गया है। घर जल गया तो पुलिस है ना देखने के लिए? हाँ तो देखिए कौन जलाया घर, हम लोग पता करेंगे। चलिए हाँ, पता कब करेंगे? कैसे जल गया घर? ये हमारा घर है, कैसे जल गया? क्या नाम है तुम्हारा? घुंगरू महतो। यूरेनियम खदान की सफलता हमारे देश को इतना ऊंचाई पर ले जाएगा, हम आपको बताए थे ना, विश्व में कीर्तिमान करेगा। जैसे पहले हमारा भारत संसार में एक नंबर पर था, पुनः एक नंबर स्थापित करेगा। मार देगा हमको, मार देगा परदेश से हम बाहर ना जा पाओ। साला कुत्ता के जैसा खोज रहा है हमको,
बाहर ना जब ऊपर देसी पगला गए हो के मार देगा तुमको हा? पूरा शहर में तुम्हारे नाम का डंका बज रहा है। नया नया लड़का लोग तुमको हीरो मान रहा है। इस समय यहां चुप के बैठने का नहीं है गोल्डन, बाहर सीना तान के निकलने का है। तुम्हारा इंडिपेंडेंट काम करने का समय आ गया है गोल्डन। काम कर देगा वो साला मुन्ना जान का दुश्मन बनल फिर रहा है, साला देखते ही गोली मार देगा हमको। अरे तुम पगला उला हो कारे? अरे 50 आदमी है जो तुमको काम देने के लिए तैयार है, खड़ा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Which company is doing this job? Company? There is no company, sir. There is individual contractor. Some Chunnu Pandey, sir. How is this person? Perfect. Absolutely perfect, sir. Mantri ji, kahan tak pahunche hain? Aaj karyakram mein kuch 19-20 hua na? Beti, tum aaj denge sabko. Ho gaya bhaiya. Abhi kya ho raha hai? Dekhe. Are sab udhar kaun dekhega? Haan? Udhar उधर किसका जिम्मा है? हाँ बेटी किसका जिम्मा था खाने पीने का इंतजाम के लिए? फूलमाला का है पकड़ के रख बेटी, पकड़ के रख। और सुन मंत्री जी जैसे ही आए गाड़ी में जितना फूल है जितना माला है लाद देना उनके सर पर। फोटोग्राफर कहाँ है? वो बादल कहाँ है? और घुंघरू कहाँ है? उसको कहे थे ना फोटोग्राफर लाने को, घुंघरू को कहे थे ना? सब चिधरा हुआ है। देख के जाना और साथ में लल्ला लौड़वा भी है। प्रणाम भैया। कोई बात था तो हमसे कहना चाहिए था ना जी। सर चलिए बोले थे ना पीछे रे, बोले थे ना पीछे रे, हम पकड़ो सर, पकड़ो रे,
चल 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 जल्दी जल्दी अरे मारा ला मारा ला लो आगे लो आगे रोको वायरलेस करो इन लोगों फूल देखिए ना अरे इसलिए रखा था आपको वहां पर अरे आपको बताइए ना पीछे भीड़ क्यों हो रही है आपका कॉन्ट्रैक्टर सर चुन्नू पांडे क्या खुन आपकी दया है वेल डन चुन्नू वेल डन चलिए आपकी दया दाता है काफिले पर नक्सली हमला बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री घटनास्थल पे शहर के ठेकेदार चुन्नू पांडे एवं डीके सिंह विधायक की मौत इस घटना के तुरंत बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रेस को संबोधित करते हुए इस घटना पर दुख जताया है मुन्ना सिंह की हत्या के बाद गोल्डन विश्वकर्मा ने जेल के अंदर से ही बस मालिकों के हिफाजत की जिम्मेवारी ले ली है चुन्नू पांडे की मौत केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए एक मिनट बाबा एक मिनट में पढ़ के दे रहे हैं एक मिनट बाबा क्या हुआ कहाँ जा रहे हो ब्लास्ट की खबर लेकर जब भागता हुआ घुंघरू जंगल पहुंचा तो दरवाजा खोलने वाला शख्स कोई और नहीं एक्स मिनिस्टर रेनू सुराव था चूक हो गया बच गया मंत्री करेंगे वो लोग बहुत गलती करेंगे और हमको भी बहुत मौका मिलेगा तुम खाना खाओ इंजीनियर कर्मराज सिंह का बेटा युवराज सिंह अपनी पढ़ाई पूरी कर जब वापस लौटा तो शहर के हालात पूरी तरह से बदले हुए थे जानते हैं बाबू ऐसा ही एक ठो गाड़ी ये लोग पहले हूँ लाया था और उन लोग 100 किलो विस्फोटक लगा दिया तो फिर ये लोग जो है दूसरा गाड़ी लाया और उसको बारे में ये लोग बोला ना कि अभी 100 किलो विस्फोटक से भी इसको कुछ नहीं होगा तो वो लोग जो है ना अभी 200 किलो लगाया विस्फोटक और 200 किलो लगा के फिर उसे उड़ा दिया
और ये भी गड़िया देखे ब्लू का बड़का, इसको बारे में ये लोग कह रहे हैं कि कता 300 किलो विस्फोट, क्या कहते हैं बारूद, विस्फोटक बारूद लगाने पर भी इसमें का तो कुछ नहीं होगा, बुझे ही मामला है। हम अपन जमीन ना दबाओ, बस दिखते हैं कमजोर।